तो आज के हमारे इस क्लास में हम एस्क्यूएल क्वेरी पे हम अलायंस बिटवीन और कुछ कंप्रेसिव ऑपरेटर के बारे में जाने, ओके okay. इसके बाद हम कुछ फीचर्स रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं न्यू क्वेरी लेता हूं और मुझे एस डेटा से चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एस डेटा, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको या रन करता हूं तो मुझे यहाँ एस डेटा का पूरा डेटा है। अब हम बात जी करते हैं अलायंसेस के बारे में, ठीक है ना। अलायंसेस के बारे में जानते हैं कि दो कॉलम को आपस में हम कैसे प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी आप दिख रहा है, तो मैं कैटेगरी और सब कैटेगरी को प्लस करना चाहता हूँ। कैटेगरी है, सब कैटेगरी क्या करना चाहता हूँ, प्लस करना चाहता हूँ। प्लस ठीक है, मैं ज्वाइन करना जी चाहता हूँ। सर अलायंस में आप देखेंगे, मैंने एक एक्सक्यूएल वीक में पढ़ा है, तो यहाँ पे हम स्टार हटाता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चाहिए डेट, हमने यहाँ पे डेट ले लिया, फिर कॉमा, मुझे चाहिए क्वांटिटी, हमने क्वांटिटी ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सब कैटेगरी प्लस कैटेगरी, ओके। और यहाँ एज ए हम यहाँ पे लिख देते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसको यहाँ रन करते हैं, आप देखिए क्या हो गया, यहाँ पे डेट आ गई, क्वांटिटी हो गई, यहाँ पे जो है आपका दोनों प्लस, समझे। स्पेस नहीं आया लेकिन हाँ, स्पेस नहीं आया क्योंकि हमने स्पेस नहीं लिया। अब मुझे स्पेस चाहिए तो हम यहाँ पे स्पेस देते हैं और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है। जी, कॉनकैटनेट तो आप देखेंगे यहाँ पे एल की स्पेस आ, जी हाँ, एक कॉन्केट की तरह इसको अलाइंस कर दो। क्या कहते हैं, अलाइन, अलाइंस एलाइजेस, LIAS, एलाइजेस, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, एलाइजेस बोलते हैं। अब यहाँ पे एलाइजेस विच हमने फील्ड किया, हमने क्या किया, दो फील्ड को अलाइज किया, राइट। राइट अब दो फील्ड पे अलाइज किया, उसके बाद क्वेश्चन आता है क्या हम दो टेबल पे अलाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, अलाइज विथ दो दो कॉलम्स, हमने क्या किया है, दो कॉलम को अलाइज किया, राइट। कॉलम अब राइट हम बात करते हैं अलाइजेस टेबल, अलाइजेस टेबल। अब टेबल इसके लिए आपको मुझे जो है जरूरत पड़ेगी रिलेटिव डेटा के बारे में, ठीक है ना, एक रिलेटेड डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ हम राइट क्लिक करते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक नहीं करते, हम यहाँ पे न्यू हम जाते हैं अपने डेटा में। मैं एक डेटा आपको समझाता हूं, ये पावर पीपल का डेटा है, राइट। ओके अब देखिए मेरे पास एक सेल है, मेरे पास सेल्स है, सेल्स आपको दिख रहा है। अब सेल्स को लेके मैं एक नई टेबल में पेश कर रहा हूं, यहाँ पे क्या है, मेरे सेल्स है। अब सेल्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पूरा पी आई डी है और यहाँ पे कस्टमर आई डी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर कस्टमर की या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए हम, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट लिमिटेड है, तो मैं यहाँ पूरे जितने भी डेटा है सब में प्रोडक्ट लिस्ट ना डाल के हमने क्या किया, एक अलग सीट पे हमने अपने प्रोडक्ट को डाल दिया। ओके 23 प्रोडक्ट है, 23 प्रोडक्ट की लिस्ट मैंने यहाँ पे डाल दी। उसी तरह से मेरे ठीक कुछ सिलेक्टेड कस्टमर, ठीक है, तो हमने कस्टमर की डिटेल सीट में ना डाल के हमने, 47 कस्टमर है तो हमने सेल्स में ना डाल के एक अलग सीट पे डाल दिया।
मतलब सेल्स के अंदर जो कस्टमर आईडिया, मुझे 13 नंबर कस्टमर की डिटेल जाननी होगी, तो मैं कस्टमर शीट में जाऊंगा और 13 नंबर को जाके चेक करूंगा कि राघव और दिल्ली से है। उसी तरह से मुझे अगर पता करना है कि 6 नंबर प्रोडक्ट जो कि 4 क्वांटिटी कैश में बिका है, इसकी एमआरपी क्या है, तो प्रोडक्ट शीट में जाके मैं देख लूंगा कि भाई ये जो है ना, इसकी एमआरपी 112 है। समझे? अब मैं इसको यहां से सेव करता हूं, लेकिन सेव करते समय ध्यान रखूंगा कि मैं इसको डॉट एक्सएलएस में सेव करूंगा, क्योंकि मेरा जो सिक्वल है वो डॉट एक्सएलएस एक्स को फिलहाल नहीं ले रहा है, उसकी कोई रजिस्ट्री मिसिंग है, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है ना? पी डेटा के नाम से मैं इसको सेव करूं एंड कंटिन्यू, और यहां पे इसको करता हूं क्लोज, और इस एक्सेल फाइल को भी मैं कर देता हूं क्लोज। वापस आते हैं हम इस सर्वर में, और हम तीनों सीट को यहाँ डीटी में लोड करते हैं। राइट क्लिक, टास्क, इंपोर्ट डेटा, नेक्स्ट, और यहाँ पे एक्सेल है हमारा, यहाँ पे गए डेटा में, पी डेटा को सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में हमने अपना एसक्यूएल सर्वर लिया डीटी पे, राइट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, और मुझे तीनों शीट चाहिए, तो तीनों शीट्स मैंने यहाँ पे इकट्ठा ले लिया, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। आ गया पूरा डेटा, देन क्लोज। बट जी यहां नहीं आया, देखो इसको करना होगा रिफ्रेश। रिफ्रेश आ गया सेल्स। अब मैं जी मुझे से मुझे चाहिए डेटा सेल्स, किसे चाहिए, सेल्स से चाहिए। अब सेल्स में डॉलर साइन लगा है, तो मैं यहां से डॉलर हटा देता हूँ। यस, ऐसे प्रोडक्ट में डॉलर है तो मैं यहाँ पे रिनेम करता हूँ। कंफ्यूजन हो गया ना फिर, सही सही। जी और यहाँ कस्टमर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मैं यहां से इसको इसको पहले डिलीट करता हूं। मैं लिखा सिलेक्ट, और सिलेक्ट में मुझे चाहिए पीआईडी, यहां पे क्वांटिटी, ठीक है ना, फ्रॉम सेल्स। अच्छा, इस कैपिटल में सर इसे भी पता नहीं है, या इधर सेल्स। आ गया पीआईडी एंड क्वालिटी। जी अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट वाले चीज हम पे जाते हैं, तो यहाँ पे इसकी एमआरपी, अब मुझे इसकी एमआरपी भी चाहिए। क्या चाहिए? एमआरपी भी चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि एमआरपी जो है अब किसी और कॉलम में, सोशल रिसोर्स सीट में, तो क्या करेंगे हम? तो मैं यहां पे कुछ इस तरह से लिखूंगा, पर ऐसे नहीं लिखूंगा, दो अलग अलग शीट से चाहिए सिलेक्ट। तो यहां पे मैंने कर दिया सेल्स डॉट पी आई, ठीक है, कॉमा सेल्स डॉट, और यहां पे डाला क्वांटिटी, ठीक है, कॉमा सेल्स, सेल्स में यहां पे फिर आ जाता है प्रोडक्ट, प्रो डॉट डॉट एम आर, सर ये ठीक है शीट ना, का नाम शीट देख का के आप नाम डॉट क्या लगा रहे हैं होता ना, है? हाँ, शीट के नाम, शीट फ्रॉम, के नाम से अब यहां पे लगा दोनों रहे शीट के मुझे सेल्स कॉमा हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो क्या ऐसा करने से आ जाए? नहीं, अगर मैं इसको रन करूं तो यहां पे तो दिख रहा है एमआरपी आया, डेटा तो आ गया,
लेकिन सममित जो आपका एमआरपी है, सममित सेम, ठीक है सर? इसमें क्या है? एमआरपी है, एमआरपी देख रहे हैं ना, सबका सेम आ रहा है, जी क्योंकि इसके बीच में हमने दोनों टेबल के बीच में ये नहीं फिक्स किया है कि जो सेल्स की जो पीआईडी है वो प्रोडक्ट के अंदर एमआरपी उठाएगी तो किस भाव पे उठाएगी, किस भी ठीक ऑफ है ना? यहां लिखना पड़ेगा इनर आई डबल एन इनर इनर ज्वाइन, जॉइंट्स ठीक है ना? किसके साथ? तो हमने बोला प्रोडक्ट, ठीक है ना? प्रोडक्ट, और यहां पर हमने लिखा कि ऑन सेल्स डॉट पीआईडी इज इक्वल टू, हमने डाला प्रोडक्ट बाप डॉट पीआईडी, प्रोडक्ट में पीआईडी है ना? अब इसको एक सर, बार ये चलिए इनर इनर जॉइन इनर क्या ज्वाइन करता क्या है? करता है? हाँ इनर ज्वाइन, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत है, एक बार मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट सिलेक्ट स्टार, पीआईडी है, ठीक है, लोग नहीं होगा, इनर ज्वाइन विथ प्रोडक्ट इनवैलिड ऑब्जेक्ट पी, पी बड़ा है क्या इसका? हालांकि बड़े छोटे का फर्क तो नहीं होता ले, इसमें, हाँ लेकिन फर्क हाँ नहीं फर्क पड़ता, है मैं भी वही बोलने सबको, वाला ये था। भी आ रहा है, तो सेल्स डॉट पी आई डी एंड प्रोडक्ट डॉट पी आई डी, लाइन वन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट की जगह पे मैं यहाँ पे सेल्स देता हूँ, सेल्स नहीं इनर ज्वाइन, और यहां पे स्पेस, इसमें कॉमा दे दिया है, ठीक सही तो है। यहाँ पे सेल्स डॉट पी आई डी और यहाँ पे सेल्स डॉट क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, यहाँ तो चल रहा है, इनर ज्वाइन वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये वर्क कर रहा है, यहाँ तो चल रहा है सेल्स, ऐसा
बेसिकली जो ज्वाइन है वो तीन तरह का, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। ओके, तो यहां पे हमें एक टेबल देना पड़ेगा, ठीक है ना, एक टेबल फ्रॉम सेल्स। अब यहां पे मुझे देना होगा इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन किसके साथ, तो प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। अब यहां पे लिखना होगा कि ऑन यहां पे कि सेल्स, सेल्स डॉट PIB इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट PI, सिंपल। अब यहां पे लिख, अब आ गया, छोटी सी मिस्टेक हो रही थी सर, क्योंकि सर सर यहाँ ये मुझे पे थोड़ा सा समझा दीजिए, इनर ज्वाइन इनर और ज्वाइन ऑन और का ऑन क्या का यूज क्या है? यूज है। देखिए क्या है कि हमें प्रोडक्ट और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप करनी है, अलाइंस करनी है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसे एक्सेल में वी लुकअप लगाते हैं, तो वी लुकअप में आप जहां से लुकअप करना उसमें एक यूनिक आईडी सिलेक्ट करते हैं, और जिसमें से जी लुकअप बिल्कुल करना उसमें भी यूनिक आईडी होना चाहिए ना। तो बिल्कुल सेल्स एंड प्रोडक्ट के बीच में पीआईडी जो है एक यूनिक आईडी, ठीक है। यूनिक आईडी है, ठीक है ठीक तो हमें ये देखना है कि सेल्स के अंदर जहां, सेल्स के अंदर जो पीआईडी है उसको ले, और प्रोडक्ट के अंदर में जहां जहां वो पीआईडी एग्जिस्ट करती है उसकी एमआरपी उठा के दे दे। वैल्यू एमआरपी दे तो दे। मुझे तो जिस सीक्वेंस में मुझे मेरा डेटा चाहिए उस सीक्वेंस में हमने लिया कि सेल्स की पीआईडी। अब यहाँ पे मुझे टेबल का नाम देना पड़ेगा क्योंकि मैं दो टेबल के साथ मिक्सअप कर रहा हूं, तो अगर मैं टेबल नेम नहीं दूंगा तो आपका एसक्यूएल कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किसका क्या उठाना है। तो तो सर आपने सर आपने क्वांटिटी भी लिया क्वांटिटी है, भी लिया है, जी हाँ, पीआईडी जो लिया सेल्स की क्वांटिटी, ठीक पीआईडी, सेल्स की क्वांटिटी और है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का एमआरपी चाहिए, प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट मतलब ये डेटा शीट है ना, शीट है, हाँ शीट प्रोडक्ट का शीट, नाम हाँ प्रोडक्ट शीट है ना, इसे एमआरपी प्रोडक्ट का उठाने दे, डिटेल्स है, एमआरपी डाला, नहीं प्रोडक्ट नेम ठीक है। एमआरपी डाला है। अब मुझे डेटा जो चाहिए वो सेल्स के अकॉर्डिंग चाहिए, मेरा बेस डेटा क्या है, सेल्स है, सेल्स सेल्स, तो हमने यहाँ पे सेल्स ले लिया। अब और लेकिन मुझे इन्हें सेल्स के अंदर जो पीआईडी है उसके बिहाफ में प्रोडक्ट शीट से एमआरपी चाहिए, एमआरपी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनर ज्वाइन विथ प्रोडक्ट, इनर ज्वाइन विथ प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम प्रोडक्ट ये है कि प्रोडक्ट के में भी कई सारे कॉलम्स हैं और सेल्स में कई सारे कॉलम्स हैं, तो एसक्यूएल जी, आखिर प्रोडक्ट सीट और सेल्स सीट के बीच में कौन कॉलम को मैच करेगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि ऑन ओके सेल्स की पीआईडी बराबर पीआईडी है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट की की आईडी पे पीआईडी, बैच करवा जिस लिया कारण से सर, आप देख ठीक सकते ठीक हैं कि पीआईडी नंबर 23, कस्टमर क्वांटिटी 15 है और एमआरपी 136 है, मतलब वी मतलब लुकअप वी की तरह लुकअप की है तरह, ये। जी हाँ वी लुकअप, बिल्कुल वी लुकअप, ठीक है। इसको इनर ज्वाइन बोलते हैं, मतलब जो दोनों टेबल में अवेलेबल है उसको हम इनर ज्वाइन यूज करते हैं। इनर ज्वाइन होता है। फिर आता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा कि टेबल वन का सब डेटा आएगा, टेबल टू का वही आएगा जो टेबल वन का टेबल टू में है। जैसे मान लीजिए अभी हम अभी जो यूज किए इनर ज्वाइन यूज किए, तो इनर ज्वाइन में क्या हुआ कि सेल्स में 1 से लेकर 10 तक है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में 1 से लेकर 8 तक है, तो डेटा आपको 1 से लेकर 8 तक कहीं दे देगा, जो आपको 9 और 10 प्रोडक्ट है उसका डेटा आपको यहां नहीं दिखेगा, क्योंकि इनर ज्वाइन में वही दिखता है जो दोनों सीट में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज करता हूँ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज करता हूँ, तो क्या होता है कि आपका जो टेबल वन है जो कि 1 से लेकर 10 तक है और पूरा दिखेगा, और टेबल टू का दिखेगा सिर्फ 1 से लेकर 8, क्योंकि टेबल वन टेबल टू में 1 से लेकर 8 तक ही है जो कि टेबल वन के अंदर है, ओके ठीक है ना। पीआईडी से पीआईडी मैच से करा मैच के करा के उठाएगा ना, जो निकालना उसमें जो भी अवेलेबल अवेलेबल होगा। हो, हाँ अवेलेबल होगा, जो अवेलेबल नहीं होगा ना उसका भी लिस्ट दे दे, जो अवेलेबल नहीं होगा उसका भी लिस्ट आपको दे दे, ओके ठीक है। ठीक है। आउटर यहां पे पूरा दिख रहा है, जोन इनर जोन मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको।
फिर आपका आता है, आता है राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन क्या होगा कि टेबल टू का सारा डेटा दिखेगा, पर उल्टा हो जाता है कि टेबल टू का सारा दिखेगा बट टेबल वन का उतना ही दिखेगा जितना टेबल टू का टेबल वन में है। ये रिवर्स ये चलता रिवर्स है क्या? चलता है राइट क्या? राइट राइट आउट राइट राइट आउट नहीं, रिवर्स नहीं चलता है। समझिए बात, समझिए, सुनिए। आपके 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 पास एक क्लास, मान लीजिए पांचवी क्लास है, छठी क्लास है, क्लास मतलब फिफ्थ क्लास और सिक्स क्लास दो क्लास है, राइट। जी अब क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं और सिक्स क्लास में पढ़ते हैं, दोनों में पढ़ते हैं। ओके तो आपने अगर इनर ज्वाइन लगाया तो आपको क्या होगा कि वही लड़के का लिस्ट आएगा जो फिफ्थ क्लास को सिक्स क्लास में पढ़ते हैं। जी समझ। समझ में आया? अगर इनर मैं ज्वाइन तो इनर सर ज्वाइन समझ सर समझ समझ गया, समझ ये गया, ये आउटर ज्वाइन आउटर नहीं ज्वाइन समझ भी आया समझ, मुझे। मैं वही बता रहा हूँ। इनर ज्वाइन नहीं ना, आउटर ज्वाइन क्या होता है? आउटर ज्वाइन में एक दो होता है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट राइट में आएगा कि आपको पांचवी क्लास के सारे बंदे आएंगे, ठीक ओके है, और छठी क्लास के वही बंदे आएंगे जो पांचवी क्लास की छठी क्लास में पढ़ते हैं। ओके ठीक समझ में आया? है समझ गया समझ सर। गया। मतलब कि आपने बोला कि भाई पांचवी क्लास जहां जहां पढ़ते हैं सारी पांचवी क्लास का एक मीटिंग है, ठीक है ना। पूरा तो पांचवी क्लास मतलब हो गया कि पांचवी क्लास का पूरा बंदा आएगा, जो छठी में नहीं पढ़ता है वो भी आएगा, जो पढ़ता है वो भी आएगा। वो भी आएगा। ओके ओके ये हो गया आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन। और यहाँ पे आता है राइट आउटर ज्वाइन। मतलब आपने बोला कि भैया कि छठी क्लास की जो है मीटिंग है, अब छठी क्लास में बंदा वो भी आएगा जो पांचवी क्लास में पढ़ता है और छठी में पढ़ता है वो भी आएगा, और छठी जो सिर्फ छठी क्लास में पढ़ता है वो भी आएगा। ओके पांचवी क्लास वही बंदा आएगा जो कि पांचवी में पढ़ता है और छठी में पढ़ता है, और छठी क्लास का पूरा आएगा, ठीक ठीक है। राइट एक ओके आता है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा कि पांचवी और छठी क्लास दोनों आएगा। भाई पांचवी क्लास में वो बंदे भी आएंगे छठी क्लास में नहीं पढ़ते हैं, और छठी क्लास के वो बंदे भी आएंगे जो पांचवी क्लास में नहीं पढ़ते, उसको बोलते हैं ठीक फुल आउटर। फुल फुल आउटर आउट, ठीक है। फुल आउटर अब इसको जी डिटेल में सर। समझने के लिए मैं आपको एक लिंक आपको भेज रहा हूँ, उस लिंक को आराम से पढ़िए, जिसमें आपको ज्वाइन भी अच्छा तरह समझ रहा है, और ज्वाइन इज द इम्पोर्टेंट, बगैर ज्वाइन के मुश्किल है, ठीक है ना। जी सर तो मैंने अभी हमने दो सीटों के साथ ज्वाइन करना सिखाया, हम और भी बहुत सारे सीट ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले ज्वाइन की जो लिंक है उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे क्लास में बात करें।